अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम HD थंबनेल बना रहे हैं, वो भी पिक्सलैब और पिक्सआर्ट का बगैर यूज़ करते हुए। तो नाज़रीन, वीडियो तमाम दिलचस्प है, इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा, जिस तरह आपको समझ आ जाए कि हम पिक्सलैब और पिक्सआर्ट को यूज़ किए बगैर हम थंबनेल HD थंबनेल किस तरह बना सकते हैं, वो भी आपके मैं सामने सारा कुछ प्रोसेस देखें आप, मैं किस तरह बनाता हूँ HD थंबनेल। तो नाज़रीन, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम जो आप देख रहे हैं, मुलाजा कर रहे हैं, सबसे पहले हम पिक्सलैब का जो ये लोगो है वो हमने इधर इंसर्ट किया, आप देख सकते हैं। फिर हम मीडिया पे जाएंगे, फिर हम दूसरा इसका लोगो था उठाएंगे पिक्सआर्ट का, ये आप देख सकते हैं, इसका हमने लोगो उठाया। बिल्कुल एक्यूरेट HD थंबनेल में आपके सामने बनाकर दिखाऊंगा आपको, वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आपने HD थंबनेल क्रिएट करनी है। बिल्कुल HD होगी, इसमें कोई वो SD वगैरह नहीं होगी। वीडियो पूरा देखिएगा। बिल्कुल हम इसमें काइनमा स्ट्रिप का सिर्फ यूज़ करेंगे, आप पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपके सामने है, देखो मैं किस तरह बना रहा हूँ। वीडियो स्किप मत करिएगा, ये पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, ये आपके लिए है, ये आप देख सकते हैं ये मैं किस तरह क्रिएट कर रहा हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं, अब हम इसका चेंज करेंगे, देखो HD थंबनेल किस तरह क्रिएट हो चुका है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अब हम इसको HD किस तरह बनाएंगे, वो जो मेन बात है अब मैं आपके साथ करूँगा, हम इसको HD किस तरह बनाएंगे। अब देखिए, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फुल HD लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर, इसको हाई कर देंगे और इसको हाई करके आप देख सकते हैं इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, फुल HD करके इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, वो भी कुछ सेकेंड का हमने बनाना है, सिर्फ सेकेंड का, 4-5 सेकेंड की हमने थंबनेल बनानी है, ठीक हो गया। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर फिर जब हम क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे तो उसका थंबनेल को ओपन करेंगे तो वहाँ पर इसको सिर्फ हम पुट कर देंगे इस तरह, मतलब ये आपकी HD थंबनेल क्रिएट हो गई। मतलब जब हम क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो चला के इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर हम जैसे ही उधर जाएंगे क्रिएटर स्टूडियो में, थंबनेल में तो हो जाएगी।